हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। रोज सुबह 5:30 बजे टॉपर सीरीज शुरू कर दिया गया है और हमारा टारगेट है फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस नंबर लाना। तो 480 प्लस नंबर कैसे आएगा? तो जैसे फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं बिल्कुल वैसा ही वैसा प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा, और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न रोज सुबह 5:30 बजे हम पढ़ाते हैं। तो रोज सुबह 5:30 बजे आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ सकते हैं। और आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 5 + 3√2 है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 5 + 3√2 कैसी संख्या है। तो जिस भी संख्या में रूट रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और इसमें रूट रह जाएगा, और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे 5 + 3√2 कैसी संख्या होगा? तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे एक और संख्या ले लेते हैं, 2 + 2√4। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी रूट है, और यहाँ पे देखिए रूट चार का वर्गमूल कितना होता है, तो रूट चार का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब इसे गुणा कर लीजिए, यहाँ पे 2 × 2 = 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अगर ये संख्या बोले कि कौन संख्या है, तो ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ से रूट हट जा रहा है, और जब रूट हट जाएगा तो परिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, और यहाँ पे वर्गमूल निकल गया तो ये परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 5 + 3√2 है तो ये कौन सी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर। दो नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, ए का निर्देशांक 2.4 दिया है और बी का निर्देशांक 0.6 दिया है तथा सी का निर्देशांक 4.-1 है, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए का निर्देशांक कितना दिया है, 2.4 दिया है, और बी का निर्देशांक 0.6 दिया है, और सी का निर्देशांक 4.-1 दिया है। तो बोल रहा है कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक कैसे निकलता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3 / 3 y1 + y2 + y3 / 3 होता है। यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है, यहाँ पे x3 का मान रखना है, यहाँ पे आपको y1 का मान रखना है, यहाँ पे y2 का मान रखना है, और यहाँ पे आपको y3 का मान रखना है। तो इसका मान आएगा कहाँ से, तो ये जो पहला वाला बिंदु है इसमें का जो पहला वाला होता है ये x1 का मान होता है, और ये जो दूसरा वाला मान होता है ये y1 का मान होता है, और ये जो दूसरा वाला बिंदु में जो पहला वाला होता है ये x2 का मान होता है, और ये जो दूसरा वाला होता है ये y2 का मान होता है, और जो तीसरा वाला बिंदु होता है इसमें का जो पहला वाला होता है ये x3 होता है, और जो दूसरा वाला होता है ये y3 होता है। बस इसमें आपको रख देना है। तो x1 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और प्लस है तो प्लस, और x2 का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, और यहाँ पे देखिए x3 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और बट्टा के नीचे 3 है तो 3, y1 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, और यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 6 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6, प्लस है तो प्लस, और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान -1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, और यहाँ पे बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे देखिए 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 3,
और 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए 10 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 9/3 बचेगा। और 3 से 9 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, यानी केंद्र का निर्देशांक कितना निकल गया, 2, 3 निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया है तो बोल रहा है कि अर्धवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो इसका त्रिज्या कैसे निकलेगा। तो जो ये अर्धवृत्त का परिमाप दिया है इसी से निकलेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अर्धवृत्त का परिमाप, हम यहाँ पे लिख देते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। और अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। और अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पाई आर प्लस 2 आर होता है। और पाई आर प्लस 2 आर बराबर कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर दिया है। तो देख सकते हैं जो ये आर है ये दोनों में है, तो इसे क्या कर लेंगे हम, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा हमारा पाई और यहाँ पे बचेगा हमारा 2, और बराबर की इधर क्या बचेगा, 36 सेंटीमीटर बचेगा। अब आपको आर का मान निकालना है, और यहाँ पे देखिए पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 22/7 प्लस 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2। और यहाँ पे 36 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है कि ब्रैकेट के अंदर जोड़ बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 7 और 1 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे 7 होगा, 7 से 7 ये एक बार में कट जाएगा। और 22 में 1 से गुणा करेंगे तो ये 22 ही रहेगा, प्लस है तो प्लस। और 1 से 7 कितना बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा। और 7 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। और बराबर के उधर 36 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। आर इंटू अब इसे जोड़ लीजिए, यहाँ पे 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 1 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36। और यहाँ पे देखिए बट्टा के नीचे 7 है तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और उधर 36 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए आपको R का मान निकालना है, तो यहाँ पे देखिए 36/7 इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। तो 7 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, और 36 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 36 से 36 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आर बराबर कितना निकल गया, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से आपको बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो जिस भी संख्या में अगर रूट रह जाता है वो अपरिमेय हो जाता है, इसे आपको याद रखना है। तो हम सबसे पहले ए वाला ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए √3 है, और √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा। और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। अब हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे है 2√2/√2। तो यहाँ पे देखिए √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, केवल 2 बचेगा। और 2 कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। और यहाँ पे अब सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 4+√5, तो यहाँ पे देखिए √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें भी रूट रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। अब हम यहाँ पे डी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे है √15, और √15 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें रूट रह जाएगा, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है ये एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है समकोण त्रिभुज से, बी ऑप्शन है समरूप त्रिभुज से, सी ऑप्शन है समचतुर्भुज से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, तो समकोण त्रिभुज से ही से आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है।
काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल है, तो k का मान क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे 2 समीकरण दिया है और इन दोनों समीकरणों का अनगिनत हल है, तो आपको k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों समीकरणों का अनगिनत हल है, तो जब अनगिनत हल होता है तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 होता है। तो यहाँ पे आपको a1 का मान रखना है, यहाँ पे a2 का मान रखना है, यहाँ पे b1 का मान रखना है, यहाँ पे b2 का मान रखना है, यहाँ पे c1 का मान रखना है, यहाँ पे c2 का मान रखना है। तो जो पहले वाले समीकरण में x में गुणा करता है वो a1 होता है, और x में क्या गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है। तो a1 का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। और जो केवल y में गुणा करता है वो b1 होता है, और y में क्या गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, तो b1 का मान 2 निकल गया। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c1 होता है, तो c1 का मान यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और ये जो दूसरे वाले समीकरण में जो x में गुणा करता है ये a2 होता है, तो यहाँ पे देखिए x में क्या गुणा कर रहा है, 5 गुणा कर रहा है, यानी a2 का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 5 निकल गया। और जो y में गुणा करता है ये b2 होता है, तो y में क्या गुणा कर रहा है, k गुणा कर रहा है, तो b का मान यहाँ पे k निकल गया। और जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो c2 होगा, तो यहाँ पे c2 कितना निकल गया, 15 निकल गया। बस यहाँ पे आपको रख देना है, तो a1 का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पे रख देंगे 1, और a2 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और b1 का मान कितना है, तो b1 का मान यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और b2 का मान कितना है, k है, तो यहाँ पे लिख देंगे k बराबर है, तो बराबर, और c1 का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और c2 का मान कितना है, 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर है, तो इन दोनों को बराबर करके k का मान निकाल सकते हैं, और इन दोनों को भी बराबर करके k का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले वाले को बराबर करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/5 बराबर 2/k। अब आपको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुणा करा देना है, तो k में 1 से गुणा होगा तो ये k हो जाएगा, और 2/5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी k का मान कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। यहाँ पे b वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों 1, 0, 5 का माध्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, जो ये आंकड़ा दिया है इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। हम यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो प्लीज आप लोग इसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है कि जितना भी संख्या दिया रहेगा उसे आपको जोड़ लेना है, और जितनी संख्या है उससे आपको भाग लगा देना है। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 1 + 0 + 5 है, तो यहाँ पे जोड़ लिए, और टोटल कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3 संख्या है, तो इसमें आपको 3 से भाग लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो हमारा माध्य कितना निकल गया, तो हमारा माध्य 2 निकल गया। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3/4x² - 8x - 3 बराबर 0 के विवेचक का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक द्विघात समीकरण दिया है, इसका आपको विवेचक का मान ज्ञात करना है।
तो विभेचक कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एक बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बस यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है, यहाँ पे ए का मान रख देना है और यहाँ पे आपको सी का मान रख देना है। तो जो एक्स स्क्वायर में गुणा करता है वो ए का मान कहलाता है। तो एक्स स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, तो 3/4 कर रहा है। तो ए का मान यहाँ पे कितना निकल गया, 3/4 निकल गया। और जो केवल एक्स में गुणा करता है वो बी का मान कहलाता है। तो एक्स में क्या गुणा कर रहा है, -8 गुणा कर रहा है। तो b का मान यहाँ पे -8 है और जिसमें x नहीं रहता है वो c का मान है। तो c का मान कितना है, यहाँ पे -3 है। बस इसमें आपको रख देना है, यहाँ पे आपको b का मान रखना है। तो b का मान कितना है, -8 है। तो यहाँ पे लिख देंगे -8 और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हम भी यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस है तो -4 है, तो 4। और a का मान कितना है यहाँ पे, तो 3/4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/4। और सी का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, -3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -3। अब यहाँ पे -8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज दो बार गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 8 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसे जब जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 9 4 कितना होता है, 13 के 3 हाथ में लगा 1। और 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हमारा विभेचक कितना निकल गया, 73 निकल गया। यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि बिंदु P -4,2 और बिंदु Q 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक बिंदु है P जिसका नियामक यहाँ पे दिया है -4,2 और एक बिंदु है Q जिसका नियामक यहाँ पे दिया है 8,6। तो बोल रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है x1 + x2/2 कोमा y1 + y2/2 होता है। यहाँ पे आपको x1 का मान रखना है, यहाँ पे x2 का मान रखना है, यहाँ पे y1 का मान रखना है और यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है। ये पहला वाला बिंदु है, तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x1 का मान होगा और ये जो दूसरा वाला होगा ये y1 का मान होगा। और ये दूसरा बिंदु है, तो इसमें का जो पहला वाला होगा ये x2 का मान होगा और ये जो दूसरा वाला होगा ये y2 का मान होगा। बस इसमें आपको रख देना है। यहाँ पे देखिए x1 का मान -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, प्लस है तो प्लस। और यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। और बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे आपको y1 का मान रखना है, तो y1 का मान 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और y2 का मान कितना है, 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 2 और 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 2 से 4 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और 2 से 8 कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, 2,4 निकल गया। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न, 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो इसका परिधि ज्ञात कीजिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। एक वृत्त है जिसका व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो बोल रहा है कि वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2πr। तो यहाँ पे आपको r का मान रखना पड़ेगा। r क्या होता है, तो त्रिज्या होता है, लेकिन यहाँ पे व्यास दिया है। तो त्रिज्या कैसे निकलता है, तो इसका त्रिज्या का फॉर्मूला होता है व्यास/2। तो यहाँ पे देखिए व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है और बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। और 2 से 14 कितना बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा। तो r बराबर कितना निकल जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्या हमारा कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी परिधि निकालना है, यानी आपको इस वृत्त का परिधि निकालना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है।
बचा है, यहाँ पे दो है तो दो, और पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 बटा 7, और यहाँ पे त्रिज्या का मान रखना पड़ेगा, तो त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 22 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 44, और यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी इसका परिधि कितना निकल जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।